चुनाव आयोग की गाइडलाइन आ गई है, तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अब जो भी उनके निर्देश होंगे उसके क्रम में काम चलेगा। हम चुनाव के लिए तैयार थे और तैयार हैं, हम जीत के प्रति भी आश्वस्त हैं। और लगभग 6 माह का समय मुझे मुख्य सेवक के रूप में मिला, हम सभी ने मिलकर जो है इसमें काम किया, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए हैं, एक एक पल और एक एक क्षण हमने प्रदेश की सेवा में लगाने की कोशिश की है। हम इन्हीं सभी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में और 7.5 सालों में पूरे 2014 से लेकर अब तक और 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहां उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं।